वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार आज एक ऐसी योजना लॉन्च करने जा रही है जिससे कि घर बैठे प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, घर बैठे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कोरोना के इस समय में प्रवासी मजदूर सो जहाँ कल कारखाने बाहर में काम कर रहे थे, वो आ गए अपने घर। अब उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ रोजगार तो चाहिए। अब सडनली वहाँ उनको कैसे रोजगार मिल जाएगा? इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है, जो 50,000 करोड़ की योजना है। ये सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ज़्यादातर प्रवासी मजदूर यही राज्य के थे, और भी राज्य के थे, पर ज्यादातर यही राज्य के प्रवासी मजदूर थे। अब प्रवासी मजदूर जब अपने घर आ गए हैं, तो इनके जीवन यापन के लिए एक समस्या हो गई है, क्योंकि कोरोना तो कहीं भी इस समय में तो जाने वाला है नहीं, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जी हाँ, इसके तहत 50,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, और इसका आज उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है? बिहार के खगड़िया जिले में। जी हाँ, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया जिले में इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है, और इसके तहत 12 मंत्रालय आएंगे। जी हाँ, 12 मंत्रालय आएंगे, जो कोऑर्डिनेशन करेंगे इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू कराने के लिए 12 मंत्रालय आएंगे। इसमें 25,000 प्रवासी मजदूरों को, क्योंकि 125 दिन के लिए रोजगार मिलेगा। ये रोजगार गारंटी योजना के अलावे होगा, ठीक है? रोजगार मिलेगा 25,000 मजदूरों को, क्योंकि ज्यादातर मजदूर इसी राज्य से आते थे। कौन कौन राज्य से? मैंने नाम ऑलरेडी बोला हूं, एक बार फिर: बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ के 116 जिलों में ये योजना लागू किया जाएगा, और इसमें 25 तरह के रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए काम किया जाएगा। उसमें 25 तरह के योजनाओं का, मतलब 25 तरह के कामों पे ध्यान दिया जाएगा। उसमें जल संचयन के काम होंगे, पंचायती राज के काम होंगे, जी हाँ, कुओं का निर्माण का काम होगा, रेलवे के काम होंगे, नेशनल हाईवे के काम होंगे, नेशनल हाईवे के काम होगा, और भी बहुत सारे काम इसमें होंगे, जो कि रूरल एरिया के विकास में भी काम करेगा, और साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, हाँ, और 125 इसकी घोषणा ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी, और आज 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में ये होने जा रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को ये भी बोल देता हूँ कि बिहार में चुनाव है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें झारखंड को शामिल किया गया है, चूंकि इसमें राजस्थान को शामिल किया गया है, उड़ीसा को शामिल किया गया है, तो भले बिहार में चुनाव हो, पर ये जिस राज्यों में चुनाव नहीं है, उनके लिए भी लागू किया गया है। ये योजना का जो परिणाम है, उनको भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी राज्य और केंद्र सरकार ने स्किल्स, जो मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स है, इनका मैपिंग ऑलरेडी किया गया है, इसलिए उनको स्किल्स के आधार पर काम दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।